फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेरी टिप्स विद मोनिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेस्ट रेमेडी जो आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एंटी एजिंग सीरम। वो आपके फेस पे अगर फाइन लाइन है, रिंकल है, डार्क सर्कल्स हैं या किसी भी तरह के पिंपल हैं, पिंपल के निशान हैं, तो फ्रेंड्स सभी के लिए एक मैजिक का काम करेगी। इतना अच्छा ये सीरम है फ्रेंड्स, आप इसको बनाइए और यूज करके देखिए, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और एक बार में लगाते ही आपको इसका रिजल्ट है जो वो मिल जाएगा आपको। एक बार जैसे ही आप इसको यूज करते हो, आपको इतना ज़्यादा फर्क, इतना ज़्यादा इफेक्ट आपके फेस पे लगेगा कि आप खुद देखना। और अगर किसी तरह की फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, तो उससे भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। कुछ जो इंग्रेडिएंट हैं हमें इसमें चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या है, इसको कैसे बनाना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक चाहिए मुझे खाली बाउल, वो मैंने ले लिया है। जो मेरा फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो है मेरा ऑरेंज पील पाउडर। फ्रेंड्स, ये ऑरेंज पील पाउडर मैंने खुद का बनाया है अपना। आप ऑरेंज पील पाउडर जब भी बनाते हो तो आप ऑरेंज को ऐसे छील के और सुखा देते हो, वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और मतलब हमें ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो आपको ऑरेंज पील पाउडर बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे भी आप ऑरेंज लेते हो उसको ग्रेट करके, ठीक है, जो पील है उसका, उसको ग्रेट करके और किसी बर्तन में डाल के उसको धूप में रख दिए। 2 से 3 दिन में ही वो इतना अच्छा ड्राई हो जाता है ना, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक बारीक से टुकड़े हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और फिर उसको ग्राइंडर में डाल के एक स्मूथ सा उसका पाउडर बना लीजिए। अगर स्मूथ नहीं बन पाता तो आप क्या कर सकते हो, उसको बनाने के बाद एक कपड़े से छान लीजिए ताकि जो स्मूथ स्मूथ है वो नीचे निकल आए और जो ऊपर मोटा रह जाता है वो ऊपर रह जाए। उसको आप एज ए स्क्रब यूज कर सकते हो, ठीक है, फेंकना नहीं है, वो भी बड़े काम की चीज़ है, उसको एज ए स्क्रब यूज कर सकते हो। मैं वो भी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमें लेना है 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। आप उतना लीजिए जितना आपको बनाना है। मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मैं जब भी कोई रेमेडी बनाती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाती, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के लिए मैं उसको बनाती हूँ, ठीक है। मैंने 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ले लिया। अब जो मेरा सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है मेरा ग्लिसरीन, ठीक है। मैं 3 से 4 ड्रॉप्स ग्लिसरीन की है इसमें ऐड करूँगी, बस इतना सा। ग्लिसरीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है तो वो ज़्यादा यूज नहीं करते, अगर यूज करते तो उसको माइल्ड करके गर्म करके उसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और जो नेक्स्ट है वो है मेरा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने पतंजलि का लिया है तो आप भी ये ले, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हो। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच एलोवेरा जेल। और यहाँ पे आपको फ्रेश एलोवेरा जेल यूज नहीं करना है, क्योंकि जो फ्रेश एलोवेरा जेल हम यूज करते हैं वो ज़्यादा दिन के लिए हम स्टोर करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट मेरा है विटामिन ई कैप्सूल। और अब उसके बाद है मेरा बादाम रोगन, 3 से 4 ड्रॉप्स में इसकी इसमें ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, जो इतना अच्छा सीरम आपके लिए बनके तैयार होगा ना आपके फेस के लिए, आपको यकीन नहीं होगा। आप इसको यूज करोगे तब भी आप यकीन कर पाओगे कि ये सच में कितना अच्छा, कितना किफ़ायती जो सीरम है वो आपके लिए बनके रेडी हुआ है। इसको बिल्कुल अच्छे से फेट लेना है, इसको अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बना लेना है आपको। और अगर आपको इसमें किसी भी तरह की खुशबू या कुछ ऐड करना है तो उसके लिए आप इसमें डाल सकते हो कोई भी टी ट्री ऑयल या कोई भी जो भी एसेंशियल ऑयल आपके पास हो आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं टी ट्री का एसेंशियल ऑयल है जो इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है कि आपको डालना ही डालना है, आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास है और मैं टी ट्री का यूज कर रही हूँ, मेरी स्किन को सूट करता है, तो मैं इसलिए इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स टी ट्री एसेंशियल ऑयल की ऐड कर रही हूँ।
आपको जितना बनाना है आप बना सकते हो, मैं कम ही बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो वो ऐड की हैं, और मैं इसको पांच, क्योंकि ये जरा सा हमें चाहिए, ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि भर के हमें फेस पे लगाना है, जरा सा चाहिए बस, उसके लिए हमें थोड़ा सा बना के रख लेना है। ठीक है, इसमें ये मुझे थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल है जो और ऐड कर देती हूँ। एलोवेरा जेल वैसे देखो कोई भी हम चीज़ बनाते हैं, कोई भी रेमेडी हम बनाते हैं तो एलोवेरा जेल मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो प्लांट का है वही यूज करें, लेकिन जो फेस के लिए कोई चीज़ बनाते हैं और हमें उसको स्टोर करके रखना होता है तो उसके लिए हम प्लांट वाला जो है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्लांट वाला होता है ना वो उसको ज़्यादा देर के लिए हम स्टोर नहीं कर पाते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अब जो फेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम कोई चीज़ बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं बस जरा सा बनाया और लगाया और नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट डे, तो कम से कम हफ्ते के लिए तो कम से कम मान के चलो हमें बनाना ही पड़ता है। मैंने पहले बनाया हुआ है इसलिए मैं बिल्कुल कम ही बना रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने बना रखा है मेरा वो रहता है अभी। और कोशिश करें कि जो ऑरेंज पील पाउडर है आप अपना घर का ही यूज करें, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें मार्केट का लेना पड़ेगा, अदरवाइज बेस्ट है कि हम अपने घर का ही यूज करें। तो मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लिया है, ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन गया है, क्योंकि जो मेरा ऑरेंज पील पाउडर है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट, जरा सा भी उसमें दाने या कोई भी कण उसके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने उसको ना एक मलमल के कपड़े से छान के, कॉटन के कपड़े से सॉरी छान के उसको, और उसके बाद उसको इस बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। मैं मोस्टली अपनी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं यूज करती हूँ वो अपनी घर की ही यूज करती हूँ, राइस पाउडर है या ऑरेंज पील पाउडर है, कोई भी पाउडर है वो मैं अपना घर का ही यूज करती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी ही एक लिक्विड वाला जो सीरम है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत अच्छा है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा बन गया है, अब इसको लगाना कैसे है। ठीक है, क्या करना, जब मॉर्निंग में आप अपने फेस को वॉश करते हैं उसके बाद आप अच्छे से अपने फेस को साफ करके, किसी कपड़े से अपने फेस को अच्छे से साफ करके वॉश करने के बाद, फेस वॉश करते हो या वैसे वॉश करते हो, उसके बाद अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेना है, और उसके बाद आपको करना है आपका जो सॉरी ये जो हाथ पे लगा हुआ था ना वो लग गया है, तो उसके बाद इस सीरम को अपने फेस पे अप्लाई करना है, अच्छे से इसको रब करना है अपने पूरे फेस पे, बिल्कुल अच्छे से स्लो स्लो हाथों से इसको अपने फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना। ज्यादा जरूरत नहीं है कि ज्यादा नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऐसी लिक्विड है जो, और फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखें, तब भी आप कोई भी चीज बनाते हो जो अपने फेस पे अपने हेयर पे यूज करते हैं तो प्लीज पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए करिए, थोड़ा सा चीज लेके अपने हाथ पे या अपने हाथ पे कहीं पे भी लगा के उसको पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बोलोगे कि आपने बताया नहीं, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता है कि आपको सूट नहीं करती तो उसको अवॉइड करें, और अदरवाइज इसको बना के थोड़ा सा पहले बना के देखे और उसको पैच टेस्ट जरूर करें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले ही छोड़ दें कि भाई नहीं ये मेरे को सूट नहीं करेगा, मैं ये नहीं लगा सकती। और इसको अच्छे से अपने फेस पे करना है अप्लाई, और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल अपने फेस को ऐसे रब कर लेना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे फेस को ऐसे रब कर लेना है, पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है, अगर फेस वॉश आप यूज करते हो तो इससे पहले ही यूज करें, इसके बाद तुरंत बाद इसके फेस वॉश को यूज ना करें। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई नेचुरल चीज़ अपने फेस पे लगाते हैं उसके बाद से अगर फेस वॉश यूज करते हैं तो हमारे फेस पे किसी भी तरह के दाने वगैरह निकल आते हैं। ठीक है, दाने से हमारे फेस पे हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से
अपने फेस पे लगा के अच्छे से ऑब्जर्व करें और 5 मिनट ऐसे ही सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मसाज करें, और उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर ले अच्छे से, ठीक है, या कोई गीला कपड़ा लेके उससे अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको अपने फेस पे इसको रखना है, 5 मिनट के बाद अपने फेस से इसको उतार देना। ये बहुत अच्छे से लगता है और एक बार में ही इतना अच्छा, इतना इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलता है ना, बहुत ज़्यादा। आप इसको बनाइए, यूज कीजिए और अपने जो व्यू है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन है वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई है इसको यूज करने के बाद, इतना इफेक्टिव है। ऑरेंज पील के बारे में आप जानते हो कि हमारे स्किन को ब्राइट करने में ऑरेंज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और अगर बात करें विटामिन सी, विटामिन ई की जो कैप्सूल है वो, ग्लिसरीन और बादाम रोगन जो है, ये सारी चीज़ें ही हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, मेरा दूसरा चैनल है डेली व्लॉग विद मोनिका, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।